हाथी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। कर ले एक काम, 9 दिन धन की होगी बरसात। इस बार शादी नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं और इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। इस समय में देवी की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो कि बेहद शुभ माना जा रहा है। मान्यता के अनुसार क्योंकि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, इसलिए इन 9 शुभ दिनों में एक खास काम करने से माँ दुर्गा गरीबी दूर कर देती हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को सबसे बड़ी माता के रूप में पूजा जाता है और नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ उनके 9 रूपों की उपासना भी की जाती है। क्या है दुर्गा सप्तशती का पाठ? दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ लाभकारी माना जाता है, परंतु यदि इसका पाठ नवरात्र के 9 दिनों में नियमित रूप से किया जाए तो व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। कंडे पुराण में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ का जिक्र किया गया है। इनमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं। ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ से जातक की सभी आर्थिक समस्याओं का समापन हो जाता है, साथ ही गरीबी भी दूर हो जाती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने के कुछ नियम हैं जिनको मानना बेहद जरूरी होता है। कैसे करें पाठ? दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सबसे पहले कलश पूजन और ज्योति पूजन करें। उसके बाद लाल कपड़े पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को स्थापित करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्वाण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिछे का पाठ करना अनिवार्य है। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्रि में प्रतिदिन कवच कीलक और अर्गला स्रोत का पाठ करें, फिर कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे दुर्गा सप्तशती के पाठ जितना ही फल प्राप्त होता है।